हेलो एवरीवन फर्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉयल ऑनलाइन अर्निंग जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें फाइवर का टेस्ट किस तरीके से क्लियर आउट करना है और कौन कौन से ऐसी टिप्स हैं जिनको हमने फॉलो करके हमें फाइवर का टेस्ट क्लियर करना है इन टू ठीक है ये स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के बना रही हूँ क्योंकि मैंने फाइवर का फाइवर का मैंने स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल फोर्टी क्वेश्चन हैं जिनको क्लियर आउट करने के लिए आपको दिए जाएंगे फोर्टी मिनट्स और इसके अंदर ही अंदर आपने अपना टेस्ट जो है वो क्लियर करना है सो so, मैं तमाम डिटेल तमाम टिप्स इस वीडियो में शेयर करूंगी सो डोंट स्केप एनी पार्ट ऑफ वीडियो सो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेक शेयर sure करने के चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कर लें बेलटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चले मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ से यहाँ पर जी जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है जी टेस्ट का यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ है जी यू आर ऑलमोस्ट देयर यहाँ

आपको 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और नीचे जी आपको एक बोल्ड करके लाइन में लिखा गया है देयर इज अ वन डे वेटिंग पीरियड बिटवीन टेस्ट रिटेक आपको बस एक दिन का जो है वेटिंग पीरियड दिया जाता है कि आप दोबारा से टेस्ट दे सकते हो ठीक है इसके बाद जी आप तीन महीने के अंदर सिर्फ दो बार टेस्ट दे सकते हो फाइबर का ठीक है अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो ठीक है आपने इनकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो अच्छे से कर लेनी है रीलोड करने के बाद आपने नीचे इनका जो टेस्ट है वो आपने कंडक्ट करना है वो टेस्ट आपने इनको देना है ठीक है ये जी आपका पूरा सिलेबस है सिंपल आपने नीचे आना यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट टेस्ट इस पर आपने क्लिक करना है जैसे अपलिक जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपको बताया यहाँ पर आपको बकायदा गया है प्रोटेक्टेड टेस्ट यह आपका एक प्रोटेक्टेड टेस्ट है ठीक है पर पर आपने यहां पर जब आपने जब देना है टेस्ट के दौरान आप कोई न्यू टैब ऑन नहीं कर सकते ईमानदारी होगा आपने सिंपल कंटिन्यू पर सिंपल क्लिक करना है आपको जो टेस्ट है वो आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जैसे कि आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद और आपके सामने आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर जी आपको फोर्टी क्वेश्चन दिए गए हैं सेशन वन है और यहाँ पर आपको फोर्टी मिनट्स दिए गए हैं जिनके अंदर ही अंदर आपने इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के टेन क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगी कितने किस तरीके से सॉल्व करने हैं ठीक है यहाँ पर जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है डैश मस्ट हैव हैपन टू मेक हिम लेट ठीक है यहाँ पर जी हम जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम थर्ड सेलेक्ट करेंगे ठीक है समथिंग ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन अभी हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है जी वुड यू चूज अ करियर एज डैश इंस्ट्रक्टर यहाँ पर जी जो जो वॉवल्स होते हैं वॉवल्स का आपको पता ही होगा ए ई e, आई ओ यू ठीक है जो भी वर्ड इन से स्टार्ट हो उनके साथ एन यूज होता है तो हमने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है एन फ्लाइट वाला ठीक है एन फ्लाइट को हमने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका थर्ड क्वेश्चन शो हो जाएगा मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर कर रही हूँ जो कि एक ग्रामेटिकल टिप्स होती हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ठीक है डैश द स्विच ऑन द बैक ऑफ द मशीन डू यहाँ पर जी आपने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है विच का और आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है ठीक है अब जी नंबर फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है वो है जी टू डैश दिस कोट बिलोंग के ये जो कोट है वो किससे बिलोंग करता है किसी शख्स के साथ बिलोंग कर तो हमने जो लास्ट ऑप्शन है होम उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आ जाएगा आपने माइंड सेट को, यू, को यूज करते हुए आपने माइंड सेट को यूज़ करते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है थीके? बहुत ईजी है यहाँ पर जी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका है माय ब्रदर सेंस ऑफ ह्यूमर इज नथिंग डैश माइन यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है तो आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है लाइक like, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर आउट हो चुका है अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पर आपको रेड मार्क दे दिया जाता अभी तक तो फिलहाल सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं ठीक है थीके? अब आ चुका है जी हमारा सिक्स क्वेश्चन इट वॉज नॉट डैश फिल्म ऑफ द ईयर बट इट स्टिल वॉन डैश ठीक है यहाँ पर आपने जी थर्ड ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है बेस्ट मच अवार्ड्स वाला ठीक है इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर आउट हो जाएगा इसके बाद हमारा सेकेंड सेवन क्वेश्चन आपके सामने शो हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट पर क्लिक करना है इसके बाद हमारा सेवन क्वेश्चन आ जाएगा यहां पर जी आपको कहा गया है विथ सेंटेंस यूज आर कंजक्शन और कंजक्शन करेक्टली यहां पर जी आपने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आई डिडेंट बाय दो शूज इवन थ्रू आई रियली वॉन्ट दैम ठीक है आपने थर्ड पर क्लिक करना है थर्ड पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है हमारा जो क्वेश्चन है वो सेवन क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है अब जी हमारा आ चुका है एट क्वेश्चन ठीक है डैश ऑफ द चिल्ड्रन बट नॉट

पर क्लिक कर देना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है ठीक है उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है आपका टेंथ क्वेश्चन शो हो जाएगा दिस इज कमिटेड दैट डैश शी स्लेप्ट इन एट द होटल वॉज बेटर देन डैश She slept at the home. ठीक है यहाँ पर जी आपने पर जी आपने जो first option है the bed एंड वन ठीक है ये वाला आपने सेलेक्ट करना है और जी नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है ये जो आपका टेंथ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है मैंने आपको स्टार्टिंग के दस क्वेश्चन सॉल्व करके बताया अगर इसमें से एक भी रॉन्ग होता तो मुझे रेड मार्क दे दिया जाता लेकिन अभी तक मुझे रेड मार्क नहीं दिया गया इस इट मीन्स के मेरे जो क्वेश्चन है टेंथ के टेंथ से ही है ये वीडियो लाने का मकसद यही था आपके सामने कि आपको पता चले कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है थीके? और ये है जी फाइवर का टेस्ट जो कि आपने देना है टू में फोर्टी क्वेश्चन हैं जिसमें से मैंने आपको टेन अटैम्प्ट करके बताया बहुत ईजी क्वेश्चन है ग्रामेटिकल क्वेश्चन हैं अगर आपको नहीं आते तो आप इससे हेल्प भी ले सकते हैं और लेकिन यहां से आप चीटिंग नहीं कर सकते चैट जी को ओपन नहीं कर सकते आपने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करते हुए अपना माइंड सेट यूज करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है आप दोबारा भी दे सकते हो क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा से भी दे सकते हैं ठीक है तो मेरा मकसद ये था वीडियो बनाने का कि आपको इसके बारे में क्लियर आउट किया जाए कि ये जो टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है अगर ये टेस्ट ना दिया गया तो आपकी जो गिग है वो पब्लिश नहीं होगी ये फ़ाइबर ने न्यू एक चीज़ ऐड की है अपने प्रोफाइल में ठीक है अगर मैं चाहती तो मैं ये जो स्टेप है वो स्किप भी कर सकती थी कि फाइबर का टेस्ट जो है फाइबर का टेस्ट है मुझसे क्लियर आउट नहीं होगा लेकिन मैंने आपकी हेल्प करने के लिए प्रॉपर हेल्प करने के लिए प्रॉपर एक कोर्स बनाने के लिए मैंने ये बात भी क्लियर आउट की कि यहाँ पर आपने टेस्ट लाजमी देना है टेस्ट अगर नहीं देंगे तो आपकी गिग पब्लिश नहीं होगी

फाइवर का टेस्ट किस तरीके से क्लियर आउट करना है अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी वैसे इंफॉर्मेटिव लगी हो या मेरा हार्ट अवेलेबल लगा हो तो वीडियो को लाजमे देख लीजिएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़